एडुस्प्रिंट प्लस एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। आपको ये देखना है कि आपके बच्चे का प्रीवियस ईयर का डेटा क्या था। एप्लीकेशन आइकन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके बच्चे का करंट एकेडमिक ईयर जो आपने लॉगिन किया है वो कौन सा है, बच्चे के नाम के नीचे लिखा हुआ है। अगर आप इसे चेंज करना है तो यहाँ पे बेल आइकन है, बेल आइकन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट टैब में दिखाएगा कौन से नए नोटिफिकेशन हमने स्कूल से सेंड किए हैं। सेकंड टैब पे आप क्लिक करेंगे सेटिंग वाले, तो उस पे आप फर्स्ट ऑप्शन है चेंज ईयर, चेंज ईयर से आप ईयर चेंज कर सकते हैं। यहाँ सिलेक्ट ईयर कीजिए। अगर मैंने 2019-20 सिलेक्ट किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो ये मुझे 2019-20 का शो करेगा, जिसमें मैं ये जितने भी ऑप्शन है उसमें से जा सकती हूँ। अगर मुझे फीस पे जाना है इस बच्चे के लिए, ये दो फीस रिसिप्ट हैं जो पेरेंट ने पेमेंट किया था, वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उनको देखना है उनकी प्रीवियस ईयर की कोई आउटस्टैंडिंग है या नहीं, तो वो ऑनलाइन पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करने पर अगर यहाँ कोई डेटा नहीं आता है, तो इसका मतलब है फीस पूरी पे हो चुकी है। आप फीस पे करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट के अलावा चेक पेमेंट भी कर सकते हैं, और साथ में बैंक में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं।